राजधानी के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। आसमान में काले बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन धूल भरी आंधी से लोगों की परेशानी का सामना भी उन्हें करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग ने अजमेर, जयपुर, अलवर सहित 16 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में एक बार फिर से मौसम ने मिजाज बदला है। साल के सबसे बड़े दिन आए ग्रहण के बाद अब मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। जो प्रदेश की राजधानी की बात करी जाए तो राजधानी में इस समय जो बादल हैं, काले बादल इस समय आसमान में छाए हुए हैं और जो तेज़ हवाओं का दौर है वो लगातार जारी है। करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ जो धूल भरी आंधी भी राजधानी में देखी जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ, क्योंकि सुबह से ही जो ग्रहण के चलते लोग पहले ही घरों में रुके हुए थे, घर से नहीं निकल रहे थे, क्योंकि एक बड़ा ग्रहण आज था। जो उसके बाद अब जो मौसमी बदलाव हुए हैं उससे जो तापमान में तो गिरावट होगी, क्योंकि बीते कई दिनों से जो तापमान था वो लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद अब जो ये बदलाव हो रहे हैं, तेज़ हवाएं हो रही हैं, हालांकि यदि मानी जाए तो ग्रहण के बाद मौसमी बदलावों को भी देखा जाता है, लेकिन जिस तरह का बदलाव शहर में एकदम से हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोग खासा परेशान दिखाई दे रहे, क्योंकि धूल भरी आंधी से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि मौसम विभाग की मानी जाए तो मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर, अजमेर सहित करीब 16 जिलों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का जो अलर्ट है वो भी जारी किया हुआ है। मैं कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।